आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। तो देखिए फोर टाइप्स बताया था, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस। तो पहले बात कर लेते हैं हम जिसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं और उसका नाम है कॉन्स्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट सेम। इस बात को ऐसे समझिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, ये आपका फाइनल पॉइंट है बी। यहां से लेकर यहां तक ये आपकी लेंथ है और इसी लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस, टोटल लेंथ है। दूसरा हम कहते हैं यहां पे कोई पर्सन है, ये रहा, और यहां पे आपका टाइम कितना है? आप कहेंगे सर जीरो। मान लिया यहां पर जाकर ये आपका 10 मीटर है, क्योंकि लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। तो मान लिया यहां पे आपका टाइम जो है वो 1 सेकंड को, तो 1 सेकंड में ये आदमी कहां पे आ गया? 10 मीटर। ऐसे ही यहां पे अगला, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 मीटर। तो यहां पे टाइम कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 सेकंड। ऐसे आगे चले तो कितना है ये? आप कहेंगे 30 मीटर। और आपका टाइम कितना हो गया? आप कहेंगे सर 3 सेकंड। इसका मतलब कोई भी पर्सन इक्वल अमाउंट या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और किसके अंदर? इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम। यहां पे 1 1 सेकंड का गैप है, यहां पे आपके 10 10 मीटर का ही गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड क्या होगी? आप कहेंगे सर ये आपका होगा इक्वल डिस्टेंसेस अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि आपका यहां से लेकर यहां तक ये तो टोटल लेंथ है, लेकिन उस लेंथ के हमने छोटे छोटे स्लोट कर लिए। इसी तरह से टोटल टाइम जो था उसका भी हमने इक्वल स्लोट कर लिया। तो फॉर्मूला बन गया, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना था? आप कहेंगे सर 10 मीटर। ऐसे कहें सर यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना था? तो फिर आप क्या कहेंगे सर? दोनों का गैप है तो वो ही आपका 10 10 10, तो ये भी आपका 10 मीटर हो गया यहां से यहां। ऐसे ही सिमिलरली यहां से यहां भी कितना हो गया? 10 मीटर। तो टाइम का देखा जाए तो यहां पे भी कितना हुआ? 1 सेकंड। यहां पे भी कितना हुआ? 1 सेकंड। और यहां पर भी आपका कितना हुआ? आप कहेंगे सर 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो 10 मीटर है। तो तीनों में क्या हो गया? इक्वल है, और तीनों ही आपके टाइम इंटरवल भी क्या है? बराबर। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं हम कि सर फॉर्मूला बन गया x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में ऐसे बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती थी xn। और आप कह सकते हैं कि टाइम भी क्या है? तो आप कहेंगे सर t1 प्लस में t2 प्लस में t3 और ऐसे ही लास्ट में क्या आ गया आपका? प्लस में tn आ गया। ये फॉर्मूला बन गया। x1 t1 किसको शो करता है? तो स्पीड को मान लेते हैं हम जिसका नाम है s1। तो स्पीड s1 कितनी हुई? आप कहेंगे सर x1 अपॉन में t1। ऐसी स्पीड क्या हुई s2? आप कहेंगे सर x2 अपॉन में t2। ऐसे ही आपका s3 क्या हुआ? आप कहेंगे सर x3 अपॉन में t3, क्योंकि हर एक इंटरवल में आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल किसके लिए कवर किया गया है? टाइम के लिए।
अब यहीं से हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है, इधर लिखा हुआ है आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मापेंगे किसमें, सर मीटर में, और यहाँ पे आपका स्लोट क्या है, टाइम, और टाइम को किसमें मापते हैं, सेकंड में। यहाँ पे दोनों एक्सीज हैं जीरो, यहाँ पे ये हमने स्लोट छोटे छोटे कर दिए और इक्वल है, तो ये आपका कितना है 10 मीटर, ये कितना है 20 मीटर, ऐसे ही 30 मीटर, ऐसे ही 40 मीटर। तो यहाँ पे टाइम ले लिया 1 सेकेंड, ऐसे ही आपका टाइम ले लिया 2 सेकेंड, ऐसे ही ले लिया 3, और ऐसे ही ले लिया 4। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर 10 मीटर 1 सेकेंड में, तो ये लो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब है 10 मीटर जो है वो 1 सेकेंड में। ऐसे मैं कहूँ कि सर 20 मीटर अगले 2 सेकंड में कवर हुआ, तो यहाँ पे स्लोट, ऐसे ही आपका ये क्या हुआ 30, ऐसे ही हुआ ये आपका है, और ऐसे ही आपका ये किसके लिए आया, आप कहेंगे सर 40 के लिए आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे ये क्या है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर किसके लिए भाई, आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म स्पीड के। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा किसका है, आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट स्पीड के। इज दैट क्लियर? वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इससे पहले हम यूनिफॉर्म पढ़ चुके हैं, अब नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लेते हैं। हम कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, आप कहेंगे सर दो तरह से फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एक तो लिख रहे हैं क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं क्या, उल्टा कर दीजिए, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड अपॉन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। क्लियर हुई बात? ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। फिर से वही पॉइंट क्या लिया हमने ए, यहां पे पॉइंट क्या ले लिया हमने बी, ये ए और बी हो गए, टोटल वही डिस्टेंस है। मान लेते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस है, तो मान लिया यहाँ पे कितना है 4 मीटर है, उसके बाद मैंने कितना ले लिया, आप कहेंगे सर 13 मीटर, इसके बाद मैंने कितना ले लिया 18 मीटर। क्लियर हुई बात? सब अलग है, यहाँ पे वो टाइम कितना है जीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पर्सन चल के आया तो मान लेते हैं टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना हो गया आप कहेंगे 2 सेकेंड, ऐसे टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। इसका मतलब कभी इसकी स्पीड तेज थी, कभी इसकी स्पीड धीरे थी। तो जो वेरिएबल है, तो नाम आ गए ना वेरिएबल, हर एक चीज वेरिएबल है। अगर इंटरवल आपके बराबर है तो अनइक्वल डिस्टेंस है, और अगर आपके इक्वल डिस्टेंस होते तो अनइक्वल क्या हो जाते, टाइम इंटरवल्स। तो इसका मतलब ये हुआ क्या,
आप अगर इस ग्राफ को या इससे यही समझे तो फॉर्मूला मिल गया, और फॉर्मूला मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको एक ग्राफ बना के समझ सकते हैं ये, और ये ग्राफ हो गया क्या, मान लेते हैं यहाँ पे तो कितना है 0, यहाँ पे आपका 4 मीटर है, उसके बाद ये कितना हो गया 8 मीटर, उसके बाद मान लेते हैं ये कितना हो गया 15 मीटर, और उसके बाद ये मान लेते हैं कितना हो गया 20 मीटर। यहाँ पे देखें तो ये कितना है 1 सेकंड, ये 2, ये 3, और ऐसे ये 4, ये टाइम है आपका, ये आपकी वही डिस्टेंस। हमने कहा कि हम यहां पे आए, इसका मतलब 4 मीटर चले हम 1 सेकंड में, कोई बात नहीं। उसके बाद हम 13 चले, तो 13 यहां होगा शायद यहां पे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये, उसके बाद हमने देखा हम 18 चले 3 पे, तो ये आपका यहाँ पे 18 हो गया। तो यहां से देखो मैंने इस लाइन को ऐसे मिला, अब इस ये लाइन सीधी ना जाके यहां पे ग्राफ उठा, लेकिन अब इसके कंपैरिजन में ये ग्राफ ऐसे गया। तो ये तो किसको शो कर रहा है 18 मीटर को, ये किसको शो कर रहा है 13 मीटर को, और ये किसको शो कर रहा था 4 मीटर, यानी कि इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ द क्या है टाइम है। तो ये कैसी स्पीड हो गई वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। तो डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो वो जनरली वेरिएबल में करता है, क्लियर हुई बात। हमारे डिवाइस में या हमारे जितने भी ये मोटर बाइक व्हीकल वगैरह हैं, इनमें एक डिवाइस लगा होता है और उसका नाम है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जनरली क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है। इसी तरह से एक आपका होता है जिसका नाम है ओडोमीटर, और ओडोमीटर क्या करेगा आप कहेंगे सर, ये उस पहिए की, उसके अंदर जो व्हील लगा है वो व्हील जब जब घूमेगा तो कोई डिस्टेंस कवर करेगा, तो व्हील के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो ओडोमीटर से मापते हैं, जबकि गाड़ी की जो प्रेजेंट स्पीड होती है वो हम स्पीडोमीटर से मापते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ ली है, एक आपका वेरिएबल है, एक आपका कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म था। तो यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस थी और इक्वल टाइम इंटरवल था, वेरिएबल में आप चाहें तो अनइक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम लिख सकते हैं, आप चाहें तो इक्वल डिस्टेंसेस और क्या लिख सकते हैं अनइक्वल टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनइक्वल टाइम, तो एक यहाँ पे आप 3 कर देंगे, कहीं 5 कर देंगे, लेकिन अब डिस्टेंस सभी क्या करनी पड़ेगी बराबर। तो आप चाहें तो इसके लिए ग्राफ इसी तरह से बस टाइम में चेंज कर दीजिएगा, लेकिन हर एक स्लोट जो डिस्टेंस का होगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो आज हमने दो तरह की स्पीड पढ़ी, एक आपका था जिसका नाम था कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म, और दूसरा है आपका वेरिएबल। इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओडोमीटर गाड़ी की पहिए में जो डिस्टेंस कवर होगी वो मापेगा, जबकि स्पीडोमीटर गाड़ी की प्रेजेंट या रनिंग स्पीड को मेजर करता है। स्पीड स्केलर है, स्पीड 0 होगी कब, जब वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, इसका मतलब वो रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट में जब आप स्पीडोमीटर में देखते हैं तो सुई कहाँ पर होती है 0 पर ही तो होती है, इसका मतलब स्पीड कितनी है आपकी 0, लेकिन 0 से आगे वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फिर तो वो पॉजिटिव होगी, ये प्रॉपर्टी थी। ओके, तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।